देखिएगा फ्रेंड्स, हेयर जो है बिल्कुल सफेद बाल तुरंत काला हो जाएगा इस तरीके लगाने से। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज मैं एक ऐसी रेमेडी आपसे शेयर करने वाली हूँ जो आपके मेहंदी से हुए लाल बालों को काला कर देगी। वह काले होने स्टार्ट हो चुके हैं, नेचुरल तरीके से काले होने स्टार्ट हो चुके हैं, और ये मेहंदी से सिर्फ लाल बालों को ही काला करेगी। अगर आपके बाल बिल्कुल सफेद हैं तो उसका प्रोसेस अलग है, इसी वीडियो में आपसे शेयर कर दूंगी। आज बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने लिया है ये लाल कत्था। काला कत्था लोगों को नहीं मिलता, काला कत्था बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। काला कत्था जो होता है सिर्फ हेयर के लिए ही होता है, और मैं तो अपने लोकल मार्केट से ही बाय करती हूँ, आयुर्वेदा शॉप पे मुझे इजीली मिल जाता है। और ब्रिक मैं लेकर आती हूँ, पिसावा नहीं लेकर आती, घर पे ही उसे पीस लेती हूँ, क्योंकि घर का जो होता है वो ओरिजिनल होता है। ये देखिएगा, ये है ब्राउन कत्था, ये आपको पंसारी की शॉप पे भी मिल जाएगा, पान वालों के यहाँ भी मिल जाएगा। इसे ले लेना है, ब्राउन वाला कत्था ही आपको ले लेना है। इसे आपको ब्राउन कत्था ले लेना है इस तरीके से। अब आपको इसमें डालना है कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर आपको जरूर से डालना है, क्योंकि हमने ब्राउन कत्था लिया है, ब्लैक कत्था नहीं लिया है। हाँ, अगर आप ब्लैक कत्था लेते तो आप जो है कॉफी का इस्तेमाल यूज मत कीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत जल्दी जो है हमारे सफेद बाल काले हो जाते हैं नेचुरल तरीके से। ब्राउन वाले में थोड़ा ब्राउन कलर आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्राउन कत्था के संग में कॉफी यूज किया है। कॉफी, और ये कॉफी पूरी तरीके से जम चुकी है। ऐसी कॉफी आपके बालों में एकदम ब्लैक कलर प्रोवाइड करती है, आपके बालों को काला बना देती है नेचुरल तरीके से। तो अगर आपके पास जमी हुई कॉफी है तो आप जमी हुई कॉफी का ही यूज कीजिए। इतना मैंने ले लिया है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको डालना है इसके अंदर पानी। तो चलिएगा, पानी इतना ऐड करेंगे ये एक बॉइल में आ जाए तरीके से। अब हमें लेनी है एक आयरन की कढ़ाई, ये बॉइल वाला पानी जो है देखिएगा इस तरीके से ऐड कर दूंगी। इसमें हमने डाल लिया, अब हम कर देते हैं गैस का फ्लेम ऑन, और इतना पकाएंगे ये हाफ रह जाए तरीके से। आप जो है इसे चला दीजिए। देखिएगा, हमने जो कॉफी डाली थी आप देख रहे हैं जमी हुई कॉफी, इसमें पूरी तरीके से मेल्ट होनी हो जानी चाहिए और ये हाफ रह जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इसकी कितनी कम क्वांटिटी रह गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिएगा, इतनी कम क्वांटिटी रह गई है, घटकर जो है हाफ रह गया, और सिम गैस पे ही ये गर्म हो रहा है इस तरीके से। और जो हमारा कॉफी था वो भी मेल्ट हो चुका है। देखिएगा ये कितना ज्यादा जो है डीप ब्लैक बन चुका है, आपको मैं दिखा देती हूँ कितना ज्यादा जो है डीप ब्लैक कलर इसका हो चुका है इस तरीके से। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है, आपको गैस का फ्लेम कर देना है बंद। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से एक बॉयल ले लिया, यही बॉयल लिया है जिसमें कत्था हमने डाला था, तो वही वाला बॉयल ले लिया मैंने। और इसमें हम डालेंगे इंडिको पाउडर। देखिएगा, अगर आपके मेहंदी से जो बाल है वो लाल या ऑरेंज हो गए हैं तो इंडिको अपना कलर जो है लाल और ऑरेंज बालों पर एकदम से दे देता है, इंस्टेंट आपके बाल जो है काले हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, अगर आपके सफेद बाल हैं, बिल्कुल सफेद बाल हैं, तो ये रेमेडी आपके एकदम सफेद बालों को काला नहीं बनाएगी, उसका प्रोसेस अलग है। और अगर आपके बाल मेहंदी से लाल और ब्राउन है तो एकदम आपके, आप देखेंगे आपके बाल जो है काले हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो पहले आप अपने बालों को जो है मेहंदी से लाल या ब्राउन कलर अगर आपके बालों में आता है या ऑरेंज कलर आता है, तब आप इस रेमेडी का यूज कीजिए। फिर उसके बाद में आप देखेंगे आपके बाल जो है काले हो गए तुरंत से ही, बहुत अच्छा ये कलर देता है। जितना आपको इंडिको पैक बनाना हो आप उतना इंडिको इसमें डाल दीजिए। देखिएगा, मैं 2 टेबल स्पून इंडिको इसमें ऐड कर रही हूँ इस तरीके से, ये देखिएगा। और देखिएगा ये जो हमने बनाया है, ये देखिएगा ये कुछ इस तरीके का बनकर रेडी हो चुका है। अब देखिएगा, अब आपको इसे ना ज्यादा गर्म रखना है ना ज्यादा ठंडा रखना है, क्योंकि इंडिको अपना कलर देखिएगा, ज्यादा अगर आप ज्यादा गर्म रख देंगे पानी को तो कलर नहीं देगा, ज्यादा ठंडा रखेंगे तो नहीं देगा। नॉर्मल आपको पानी रखना है, ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो। मैं लेकर इसे जो है मिक्स कर देती हूँ इस पैक को। देखिएगा, इसी वाटर से थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे मिक्स कर देती हूँ इस तरीके से, और आपको इस तरीके से ही मिक्स कर लेना है, ये देखिएगा। और इसे इतना इतना रखिएगा, ये देखिएगा ये बनकर रेडी हो गया है, अब रेडी हो चुका है। अब आपको इसमें डालना है एक नींबू, और नींबू का आप जूस इसमें डालिएगा, और 15 मिनट तक आप इसे रखा रह दीजिए इसी तरीके से। आपको 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ना है, तब अपने बालों में लगाना है वेट ड्राई होने तक। और पोलोथीन से कवर जरूर कीजिएगा, नॉर्मल जो है पंखे वगैरह के नीचे मत सुखाइए, एकदम ड्राई हो जाएगा नहीं तो। और फिर आपको नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करना, रात में ऑयलिंग कीजिए ही करनी है, ज्यादा ऑयलिंग नहीं करना है। नेक्स्ट डे आप शैम्पू कीजिए, और आप देखेंगे आपके बाल जो मेहंदी से ऑरेंज और रेड हो गए थे वो पूरी तरीके से ब्लैक हो चुके हैं। धीरे धीरे 2 दिन में इंडिको अपना कलर जो है चेंज करता है, तो ध्यान रखना है 2 दिन में आपका जो है पूरी तरीके से ब्लैक हो जाएगा कलर। अब चलिएगा, बात करते हैं सफेद बाल एकदम तुरंत से काले करने के लिए क्या करें। व्हाइट हेयर है, बिल्कुल सफेद बाल है, तो आपको पहले जो है मेहंदी का पैक लगाना होगा।
आप अपने बालों को जो है पहले मेहंदी से ऑरेंज या रेड कीजिए, फिर उसके बाद ये प्रोसेस आप जो है लगाइएगा। फीडबैक मुझसे जरूर से शेयर कीजिएगा।